इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। डी ब्रोगी वेव के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करेंगे और उसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। तो ये मैथमेटिकल है, लेकिन उससे पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, प्रोबेबिलिटी हमने स्टैट्स में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अभी बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट हो पाया होगा क्या चीज़ है। यहाँ एक नई चीज़ आ गई, क्या? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एकदम नया सा टर्म है, समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के सहारे धीरे धीरे इस टर्म तक हम पहुँचेंगे। मान लीजिए कोई पार्टी है और जिसमें एक गेट है, अब देखिए यहाँ से जो पर्सन्स होंगे वो अंदर आ रहे होंगे या पर्सन्स बाहर जा रहे होंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज या डिक्रीज जो होंगे वो अंदर आने वाले या बाहर आने वाले पर्सन के डिपेंड करेंगे। तो इन दोनों को तो हम कंबाइंड कर सकते हैं, इस दोनों को कंबाइंड करके हम प्लस माइनस साइन के साथ इसे ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम आउट गोइंग के लिए प्लस कर दें और इनकमिंग के लिए माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या हो सकता है, नेट पर्सन गोइंग आउट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अंदर हम देख रहे हैं कि अंदर भीड़ बढ़ रही है या घट रही है। अगर नेट गोइंग आउट पॉजिटिव होगा तो यहां भीड़ क्या होगी, घट जाएगी, या कह सकते हैं डेंसिटी। भीड़ मतलब क्या है, या कह सकते हैं कितना रश है कितना रश नहीं है, तो ये एक्चुअली क्या होगी, ये डेंसिटी से हम कहेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। अगर ये ऐसे खड़े हुए हैं तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ पर्सन। अब देखिए दो चीज़ें हमारे पास हुई, एक हमारे पास हुआ कि नेट पर्सन बाहर जाने वाले, एक हमारे पास हुआ डेंसिटी। अगर देखिए यहाँ पर नेट पर्सन बाहर जाने वाले ज़्यादा होंगे प्लस होंगे तो डेंसिटी माइनस हो जाएगी, मतलब अगर ये बढ़ रहे होंगे तो ये डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नंबर ऑफ पर्सन निगेटिव, अगर ये निगेटिव होगा, अगर ये घट रहे होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, अगर मैं इस रिलेशन को और इस रिलेशन को कंबाइंड कर दूँ तो नेट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा किसी भी टाइम पर। तो किसी भी टाइम का मतलब है इसमें आप क्या लगा देंगे, पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पर्सन गोइंग आउट पर सेकेंड और डेंसिटी ऑफ पर्सन का चेंज पर सेकेंड का सम कितना होगा, इसका सम होगा जीरो। तो कितने पर्सन बाहर जा रहे हैं और कितने डेंसिटी में चेंज हो रहा, इन दोनों चीज़ों का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। थोड़ा सा और फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, फिर से कंसीडर करते हैं कि एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस से बाहर चार्ज निकल भी रहा है, चार्ज अंदर भी आ सकता है चार्ज बाहर भी जा सकता है। हमारे पास एक सरफेस है, उसके अंदर को चार्ज है, उस चार्ज की डेंसिटी है यहाँ रो एट प्रेजेंट। बाहर जाने वाला मतलब चार्ज फ्लोइंग आउटसाइड, और बाहर अंदर आने वाला मतलब चार्ज फ्लोइंग इनसाइड। तो चार्ज फ्लोइंग का मतलब का यहाँ मतलब हो जाता है क्या, करंट। अब कितना चार्ज बाहर फ्लो कर रहा और कितना चार्ज यहाँ चेंज कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है क्यू, तो अंदर का चेंज इन चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू ओवर डी टी, और कितना चार्ज बाहर फ्लो करेगा, तो ये करंट डेंसिटी से हम डिफाइन कर सकते हैं। प्लस करंट डेंसिटी इन द डी एस एरिया, इंटीग्रेशन, इन दोनों का सम कितना होगा, ज़ीरो होगा। चार्ज को हम लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म्स में, यानी कि डी बाई डी टी। चार्ज को लिख सकता हूँ क्या, रो डी वी, प्लस यहाँ क्या हो सकता है, ये सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड टू वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे
डी वी इक्वल टू ज़ीरो, या ये हो सकता क्या डेल रो डेल टी प्लस डी वी इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि ये रिलेशन किसी भी वॉल्यूम के लिए ट्रू है, हम कह सकते हैं इंटीग्रेंड जो है ये ज़ीरो होगा, तो हम कह सकते हैं कि डेल रो डेल टी प्लस डेल डॉट जे यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ जे ज़ीरो होगा। ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है किसके लिए, चार्ज के लिए, क्योंकि चार्ज ना तो कहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है ना कहीं क्रिएट हो सकता है, इसका मतलब ये चार्ज के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास चार्ज नहीं है, हमारे पास एक पार्टिकल है, उससे जो एसोसिएटेड वेव है उसके वेव फंक्शन से हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ क्या है, यहाँ कहीं ना कहीं जो वेव पैकेट है उसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कहीं ना कहीं कोई जो भी कोई वॉल्यूम होगा उसके अंदर से प्रोबेबिलिटी बाहर जा सकती है, ऐसे कह सकते हैं, या अंदर बाहर से प्रोबेबिलिटी अंदर आ सकती है। तो यहाँ सिर्फ हमें करना क्या है कि हम जहाँ जहाँ चार्ज लेके चल रहे हैं हम उसका नाम क्या भर देंगे, प्रोबेबिलिटी कर देंगे। चार्ज डेंसिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जैसे चार्ज के फ्लो होने को करंट कहेंगे, ऐसे प्रोबेबिलिटी के फ्लो होने के लिए नाम वही देंगे करंट, बट चूंकि प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड है तो इसका थोड़ा सा चेंज कर देंगे प्रोबेबिलिटी करंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ करंट डेंसिटी है तो ये नाम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो इस रिलेशन को ही हम वहाँ ले जाएंगे सीधे सीधे ऐसे ही, और ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा, ये है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हमने करा क्या है, हमने यहाँ पर करा क्या है, हमने यहाँ पर क्या था हमारे पास, चार्ज था, यहाँ पर क्या था हमारे पास, चार्ज था। तो वो जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन थी वही इक्वेशन ये है, ये नई इक्वेशन नहीं है। अब हमें क्या करना, उसे डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या थी, तो हमारे पास जो वेव थी, वेव से एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन था, उस वेव फंक्शन का नाम है साई, और उससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, पी विल बी इक्वल टू साई स्टार साई। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर क्या चीज चेंज करनी, जो रो है उसे रिप्लेस करेंगे किससे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, रो को पी से रिप्लेस कर देंगे। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, तो ये रिलेशन बन जाएगा डी पी डी टी प्लस ज़ीरो। वेव मैकेनिक्स की इक्वेशन है वो है श्रोडिंगर इक्वेशन, तो श्रोडिंगर इक्वेशन से लेते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी आई एच क्रॉस डेल साई डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर टू एम डेल टू साई प्लस वी साई। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, आई की जगह माइनस आई रख देंगे और साई की जगह साई स्टार कर देंगे, तो माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर टू एम डेल टू साई स्टार प्लस वी साई स्टार। अब देखिए हमें बनाना है ये, तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसे इक्वेशन वन कह देता हूँ, इसे इक्वेशन टू कह देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन को, एंड साई से मल्टीप्लाई करेंगे किसे, इक्वेशन टू को, एंड सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद देखिए क्या होता है, सबट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आई एच क्रॉस, दोनों में कॉमन है आई एच क्रॉस, यहाँ आ जाएगा साई स्टार डेल साई डेल टी, यहाँ माइनस है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस साई स्टार डेल टी। ठीक है, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, राइट साइड में देखिए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर टू एम, दोनों में है कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये साई स्टार पहले आएगा, तो ये हो जाएगा साई स्टार
डेल टू साई माइनस साई डेल टू साई स्टार, इसके अलावा हो जाएगा वी साई स्टार साई, और दूसरा टर्म माइनस का आएगा वी साई साई स्टार। अब साई स्टार साई और साई साई स्टार बराबर हैं, तो ये एक्चुअली ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा। आगे देखिए, तो लेफ्ट साइड में जो टर्म बचा हुआ है इसे हम कंबाइन कर देंगे दोनों टर्म को, राइट साइड में ये चूंकि दोनों टर्म कैंसिल हो गए हैं, राइट साइड में सिर्फ एक ही टर्म बचा हुआ है, इसे हम आइडेंटिटी से करेंगे। ये हो जाएगा डेल डॉट ए डेल बी माइनस बी डेल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डेल टू बी माइनस बी डेल टू ए। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ लगा देंगे, तो हमारे पास ये हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसे इसमें लेफ्ट वाले में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पहला जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ देखिए, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई। तो साई स्टार साई ऐसे लिखने का मतलब है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आएगा दूसरा वाला, और पहला वाला टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आएगा, और ये साई स्टार साई एक्चुअली क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाती है। इसको कन्वर्ट करते हैं इसके आइडेंटिटी के हिसाब से, तो हो जाता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर टू एम डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, इतना हिस्सा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करते हैं हम, डेल ओवर डेल टी पी, प्रोबेबिलिटी को हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने पहले ही डिफाइन कर रखी है, साई स्टार साई है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है वन अपॉन आई एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर टू एम डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अब इसको हम एक तरफ ले आते हैं तो हो जाता है डेल पी डेल टी, ये माइनस है निशान, ये प्लस हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा एच क्रॉस अपॉन टू आई एम डेल डॉट साई स्टार डेल साई साई डेल साई स्टार ब्रैकेट इक्वल टू ज़ीरो। इस ऐसे लिख देते हैं कि डेल पी डेल टी प्लस डेल डॉट, ये ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी ले देते हैं, एच क्रॉस ओवर टू आई एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन थी अभी पीछे, जो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन थी वो थी ये डेल पी डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने डिफाइन करी थी, ये थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये हमने जो डिफाइन किया था ये क्या था, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसका मतलब है ये जो पूरी क्वांटिटी है इसे हम नाम दे सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो यहाँ डिफाइन कर देते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या, जे कितनी है, एच क्रॉस ओवर टू आई एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो इसे हम डिफाइन कर देते हैं क्या, ये हो गई प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम इसे लगा देंगे। ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। थैंक यू।